तो फाइनली गाइस हम लोगों ने एक सपना देखा था और वो जो सपना था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे यूट्यूब चलाने का और हम लोगों ने यहाँ पे सारा चीज अरेंज करके रखा है। ये 21 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है और ऊपर यहाँ पे रखा गया एक ब्लू रे डिस्क। अगर आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे यहाँ पे VCR भी रख सकते थे, VCD रख सकते थे, DVD रख सकते थे, बट हमारे पास यही है और अरेंज भी नहीं कर पाए गाइस क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका था। लेकिन ये कैसे तो करंट भी लगता है तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है और इतना ही नहीं हम करने वाले हैं, यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस भी पूछने वाले हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे यूट्यूब देखना या कोई भी चीज, अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा है तो अभी देखकर कैसा लग रहा है। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में और चलिए देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस ये एक्सपीरियंस लेना थोड़ा सा हेडेक वाला चीज था तो हम लोगों ने क्या क्या किया है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक AV कन्वर्टर, जैसे AV ये जो वायर है यहाँ पे 3 प्लग लगे हुए हैं इसमें। अब तो गाइस इसे ऑन करने के लिए आपको पावर देना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पावर बैंक यूज किया है। आप अपने DVD के USB जो होता है वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। अब गाइस ये जो HDMI ये कनेक्ट है मेरे ब्लूरे के साथ और ब्लूरे पीछे यहाँ पे HDMI आउट है यहाँ पे और इसमें लगा हुआ है RJ45 एक केबल जो मेरे इंटरनेट का है। इसके बाद यहाँ पे पावर केबल है और जस्ट यहाँ पे पावर बोर्ड में लगा हुआ है सारा केबल और ये यहाँ पे चल रहा है टीवी। तो जस्ट आपको चाहिए होगा एक AV to HDMI कन्वर्टर, देन आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, नो सिग्नल, अभी से फिक्स करते हैं गाइस। हुआ नहीं हुआ? अब गाइस यहाँ पे मेरे पास ब्लू रे डिस्क है तो यहाँ पे उसका आ गया डिस्प्ले पर, जैसा आप देख सकते हो वीडियो में यू कैन सी यूट्यूब, देख रहे हो यहाँ पे यूट्यूब। अगर आपके पास DVD है तो आप YouTube नहीं चला सकते हो। अगर आपके पास फायर स्टिक है, Amazon का हो गया या और भी ब्रांड का आता है, वो लगाकर आप YouTube, Netflix वगैरह सब देख सकते हो। जैसे यहाँ पे Netflix भी है गाइस, जैसा आप देख सकते हो Netflix वॉच इंस्टेंटली, पढ़ो या ना पढ़ो मुझे तो दिख रहा है गाइस। ये व्हाइट में दिख रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये देखो करेंट भी लगेगा, ये लग रहा है ना ओके अब यहाँ पे मैं YouTube चलाने वाला हूँ। ओके Yes, ये बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कराता है, काम चल रहा है और अच्छा भी लगता है। ओह माय गॉड, सपना सच हुआ गाइस। ओह माय गॉड, वाओ। सो माय गॉड, यहाँ देखो YouTube आ गया है क्या। कर्व टीवी तो अब आया है गाइस, पहले तो ऑलरेडी आ चुका है जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे कर्व इतना ज़्यादा कर्व है जैसा आप देख सकते हो। टॉम का कान बड़ा हो चुका है, जेरी का नाक बड़ा हो चुका है, टॉम एंड जेरी का जो आप टेक्स्ट देख रहे हो ये पूरा ऐसे हो चुका है और ये बहुत ही अलग दिख रहा है मुझे और अच्छा भी लग रहा है। ओके अब मैं अपना वीडियो इसमें लगाऊंगा, मस्त अपना यूट्यूब वीडियो देखूंगा इसमें। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube का वीडियो चलने लगा है और ये देखो ये कर्व देखो कितना ज़्यादा कर्व है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्व हो चुका था और ये पूरा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आगे की तरफ स्क्रीन निकला हुआ है और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये साउंड वाला केबल यहाँ पे गया तो एक जादू और आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। डिस्प्ले के पास अपना हाथ लाओ और ये जो आप बाल देख रहे हो यहाँ पे सब गिरा हुआ बाल है, गिरा हुआ इंसान का गिरा हुआ बाल है यहाँ पे, जैसे ही डिस्प्ले के पास लाएंगे ये जो बाल सब ये खड़ा हो जाएगा। अभी देखो आप कितना ऊपर हो चुका है, तो ये एक अलग ही फन सा चीज़ है यहाँ पे और बहुत ही अलग ही दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे आप मैग्नेट वगैरह नहीं ला सकते, नहीं तो डिस्प्ले का जो कलर एक्यूरेसी होता है ये सब खराब हो सकता है। तो ये जो टीवी था उस समय तो बहुत ही ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस देता था गाइस। अब थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस का ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ, लगभग ये बात है 10 साल पुरानी बातें हैं गाइस, जब हमारे घर पर टीवी नहीं था तो हम लोग ना ये रेंट करके टीवी लाते थे, सैटरडे को लाते थे, संडे के भी देखते थे और मंडे को रिटर्न करते थे। तो इतना मज़ा आता था, पूरी रात भर हम लोग मूवी देखते थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। और अभी यहाँ पे यूट्यूब चला रहे हैं ये मैं सोचा नहीं था गाइस। अभी यहाँ पे और लोगों से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है उन लोगों का। ओके तो पहले मेंबर से क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये टीवी को देखने के बाद।
मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है, क्योंकि मैं जब बचपन में पढ़ाई करता था तो उस वक्त मुझे मैच का ना बहुत क्रेज था मेरे अंदर। तो मैं एक जिस रूम में रहता था उसके जस्ट बगल में एक दो भाई और रहते थे, तो उनके पास टीवी था और वो लोग हमेशा टीवी में मैच या फिर मूवी वगैरह देखते थे। तो मैं ना पढ़ाई छोड़ के उस रूम में ज़्यादातर जाके रहता था, या फिर खिड़की से या फिर कुछ गेट से, मतलब कोई छोटा सा मतलब छेद वगैरह से देखा करता था। तो मेरे लिए वो बहुत ही अमेजिंग था और मैं काफ़ी साल के बाद इस तरीके का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितना क्रेज था उसमें टीवी का, और अभी कोई पूछता ही नहीं, अब बड़ा बड़ा टीवी आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे जो अगला मेंबर है वो अवध है। अब अवध से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे यूट्यूब देखने का, मजा कैसा रहा है जरा बताइए आप भी। मेरे पास पहले टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट ही था, और ये जो आप यहाँ पे स्पीकर वाला जो ग्रिल देख रहे हो यहाँ पे, वो वॉल्यूम को ऐसा करने वाला था वो, और वॉल्यूम को भी ऐसा नचाने वाला था वो था। तो ऐसा था, उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखते थे, वो भी एंटीना वाला जो पहले छत पे लगा हुआ था, आ गया हिला हिला के करते तो वही है। तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर ब्लैक एंड व्हाइट में काफी अच्छा लग रहा है, और वो पुरानी यादें ताजा हो गई है, और उससे भी ज्यादा यूट्यूब देख रहे हैं। क्योंकि ये बहुत अलग बात है भाई, पहले क्या होता था ना कि पहले लाइट भी बहुत कम आती थी, तो जब भी आता था सब देखने के लिए भागता रहता घर पे, और जब भी सिग्नल इधर से हुआ भाई 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 सिग्नल मिला तो वो, और ये काफी अलग है और एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। ये भी देख सकते हो आप यहां पे, जैसे मैं ठोक रहा हूं ये हो रहा है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब फाइनली यहां पे भैया से हम पूछने वाले इनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो एक्चुअली हम दोनों का तो सेम ही था, क्योंकि एक ही घर में रहते थे, टीवी भाड़ा पे आता था, हम लोगों का एक्सपीरियंस वही था, बट ये कुछ अलग करता था। पूछते हैं ये टीवी जब आता था तो मैं ही चलाता था, ठीक है, ये राइट बात है, ठीक है। और सेकेंड में जब अपना टीवी जब खरीदाया तो जब खराब होता था, ये टीवी जो है ना बहुत ज्यादा खराब होता है, ठीक है, तो हम ही बनाते थे, ठीक है, अब मैं ही बात भी सुनता था। मैं बताता हूँ, चले या ना चले, अगर चल रहा है फिर भी खराब करना है, और नहीं चल रहा है फिर भी खराब करना है, यानी खराब करने का जिम्मा इनका था। यस, अरेंज यही किए गाइस, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। ओके गाइस, थोड़ा सा रेवोल्यूशन का बात कर लेते हैं। ये जो टीवी जब आया था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, इसके बाद कलर टीवी आया, कलर टीवी आने के बाद एलसीडी टीवी आया, और एलसीडी टीवी आने के बाद एलईडी टीवी आ चुका है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे इसके सामने। ये देखो गाइस कितना बड़ा दिख रहा है, ये 42 इंच का एमआई का एलईडी टीवी है गाइस, फुल एचडी वाला है। अभी यहाँ पे चल रहा था टीवी, राइट, अभी देख लिया, अभी टीवी खराब करके चला गया। ये था उस समय का एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक है ये भी। ओके, अब आते पॉइंट पे। तो गाइस इसके बाद जो टीवी आया, जैसे फुल एचडी के बाद आप देखे होंगे कि 4K टीवी आ गया, 4K के बाद 4K 3D टीवी तक आया था, बट उतना नहीं चला, तो 3D हटाकर अब OLED आ गया। OLED के बाद यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग टाइप के टीवी देखने को मिल जाएंगे मार्केट में, और बहुत ही अलग अलग प्राइस के साथ आता है। पहले मैक्सिमम टीवी का प्राइस आप देखते होंगे तो 20,000 से 25,000 था उस समय, अगर मैक्स टू मैक्स प्राइस पर टीवी लेते थे। बट अब का जो टीवी है ये स्टार्ट भी होता है 8-9 हज़ार से, तो आपको देखने को मिल जाएंगे, बट उस समय का बात अलग था, उस समय देखने का अंदाज अलग था, उस समय का क्यूरियोसिटी अंदर था कि यार फिल्म देखना है ऐसा कुछ, या मैच चल रही है वो तो अलग ही नेक्स्ट लेवल होता था। तो वो जो एक्सपीरियंस था गाइस सच में बहुत ही अच्छा था, और अभी वो चीज़ नहीं मिल पाती है, सच बता रहा हूँ। अगर आपके घर में अभी प्रोजेक्टर भी लगा हो तो फील नहीं आएगी जो पहले आता था। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और माइंड में कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। और अगर आपको टीवी खरीदना है तो कुछ टीवी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप ले लेना, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, राइट गाइस। आते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।